प्रतिबिंब बनाते हैं आज। अच्छा एक और थोड़ा सा पढ़ लें आप, हल्का सा एक छोटा सा टॉपिक और, चिन्ह परिपाटी। सुनना बहुत ध्यान से भाई, अरे सही दिख रहा है ना इसमें, अगर कुछ दिक्कत आए तो बोल देना। देखिए चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, ध्यान सुनना होगा ना। कई बार आप देखोगे अपन त्रिज्या को प्लस की लेंगे और कई बार देखोगे आप त्रिज्या लेंगे अपन माइनस की। कई बार अपन फोकस दूरी प्लस की ले लेंगे, कई बार फोकस दूरी किसकी ले लेंगे। सवाल में तो ये कहेगा त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, लाला बहुत ध्यान सुनना है। क्वेश्चन तो ये कहेगा त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे सवाल करते समय कई बार तो मैं प्लस 20 लिखूंगा और कई बार क्या लिखूंगा मैं माइनस का 20। इसका रीजन क्या है सुन ध्यान से, ये कौन सा दर्पण है, अरे कौन सा है ये, कौन सा है मुख्य अक्ष। तो मैं आज कुछ नए बच्चे दिख रहे हैं, दो चार शायद हैं, आप लोगों ने पहली वीडियो मतलब पहले वाले लेक्चर लिए नहीं लिए, ना लिए हों कोई आज से ही क्लास में बैठा हो तो भैया पुराने लेक्चर जरूर ले लेना। तीन हो गए चार हो गए पुराने, हाँ तीन या चार जितने भी हो गए, जितने भी हो गए, क्योंकि वो लिंक बना हुआ है तभी अच्छा समझ में आएगा, है ना। अवतल दर्पण इसे क्या बोलते हैं अपन, ध्रुव, पूरी बात सिखाई है मैंने। ये क्या होता है सेंटर और यहां होता है फोकस, हाँ है ना। दूसरा चित्र और बन सकता है एक, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल, ये वाला मुख्य अक्ष, ये वाला ध्रुव, यहां वक्रता केंद्र, यहां पर फोकस, हाँ है ना। चिन्ह परिपाटी का नाम है कार्तीय चिन्ह परिपाटी, कौन सी चिन्ह परिपाटी है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी बोलते हैं इसको, है ना। इसके कुछ नियम है, नियम नंबर एक क्या कहता है सुनना ध्यान से, लाला आवाज मत करो बेटा शांति सुनो ना। रूल नंबर एक कहता है कि अगर आपको कोई दूरी मुख्य अक्ष के ऊपर नापनी है ना, मुख्य अक्ष के ऊपर से मेरा मतलब क्या हुआ कि मुझे त्रिज्या नापनी है, क्या नापनी है त्रिज्या, तो बता त्रिज्या P से लेकर C तक की दूरी होती है कि नहीं होती, परिभाषा लिखाई है कि ना लिखाई मैंने, क्या फोकस दूरी P से F की दूरी होती है या आपको तो C और F के बीच की दूरी निकालनी है। कोई भी दूरी, बहुत सारी निकाल के दिखाऊंगा, अगर कोई भी दूरी मुख्य अक्ष के ऊपर निकालनी है ना तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको कहां से स्टार्ट होना है, पी से। दूरी भले ही कोई सी नापनी हो मुख्य अक्ष के ऊपर, कहां जाके बैठ जाना, पी पर, कि भाई कहां से स्टार्ट होना है पी पर। तो सबसे पहला नियम यह कहता है कि आपको कहां से प्रारंभ होना है, लाला ने बोला करो कहां से स्टार्ट है ना है, पी से स्टार्ट है ना है, हाँ या ना। दूसरा नियम क्या कहता है, अब आप त्रिज्या नापने गए तो देखो मैंने परिभाषा में क्या बताया था आपको, मैंने कहा था आप त्रिज्या बोल सकते हो सी और पी के बीच की डिस्टेंस, पर मैंने सी और पी ना बोलकर पी और सी क्यों बोला आप समझ गए नहीं समझे, क्योंकि स्टार्ट कहां से होते हैं भाई, पी से। अब पी से स्टार्ट होकर रूल नंबर दूसरा क्या कहता है सुनना, जब आप पी, अच्छा इसमें प्रकाश किधर से आएगा, इधर से आ सकता है क्या, क्यों पॉलिस है, ये है प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश की दिशा, अरे हाँ है ना। अब आप पी से स्टार्ट होकर दूरी नापने के लिए मान लो प्रकाश से उल्टे चल रहे हो, प्रकाश इधर जा रहा है आपको त्रिज्या नापनी है, तो त्रिज्या नापने के लिए आप पी से सी आओगे ना, क्या आप प्रकाश के अपोजिट आ रहे हो क्या, तो चिन्ह नेगेटिव, तो चिन्ह ना, ये बात समझ में, अरे हाँ है ना। इसमें प्रकाश कहां से आएगा, इधर से, त्रिज्या नापनी है कहां से स्टार्ट है ना, नियम नंबर एक के अनुसार पी ते, कहां तक जाना है, क्या आप प्रकाश की दिशा में जा रहे हो क्या, तो त्रिज्या किसकी, प्लस की। दसवीं क्लास याद हो, अगर अवतल दर्पण की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो आप आर बराबर माइनस 20 लिया करते थे, उत्तल दर्पण की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो आर बराबर प्लस 20 लिया करते थे, आया कि नहीं आया, आया नहीं आया। नियम नंबर एक क्या कहता है, पहला नियम क्या कहता है, स्टार्ट कहां से करना है, पी से,
कहां से स्टार्ट करना है? पी से। दूसरा नियम क्या कहता है कि पी से स्टार्ट होकर अगर आपको ऐसा लगे कि आप प्रकाश की आपतित प्रकाश की दिशा में जा रहे हो तो चिन्ह किसका? प्लस का। माइनस कौन सा बोल रहा है? अबे नालायक, माइनस का मतलब होता है विपरीत दिशा। किरचॉफ के नियम पढ़ाए ना पढ़ाए? ना पढ़ाए। पहला नियम क्या कहता है कि स्टार्ट कहां से करना है? ध्रुव से। कहां से स्टार्ट करना है? नियम नंबर दो क्या बोलता है? ध्रुव से स्टार्ट करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रकाश की दिशा में चल रहे हो तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप विपरीत दिशा में चल रहे हो तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। अरे हाँ या ना? आया कि नहीं आया? बताओ अवतल की फोकस दूरी आपको प्लस की कि माइनस की? देखो अवतल की मैं दो चित्र बनाऊँ बढ़िया बढ़िया से, उनमें कहानी समझ में आ जाएगी आपको। देख लाला आवाज नहीं बेटा बिल्कुल। कौन सा दर्पण है? अरे बोला कर। ई मुख्य अक्ष, ये यहां सेंटर और फोकस, हाँ या ना? अब बात आई साहब वक्रता त्रिज्या कैसी रहेगी आपकी? देखियो सारे नाम लिख दूंगा, दिमाग लगा ली लाला। तो या की वक्रता त्रिज्या रहेगी साहब माइनस की। क्यों माइनस की? स्टार्ट कहां से करना है? लाला बहुत काम की चीज है, तुम बार बार गलत करोगे, पहले कह रहा हूं, हर हेडिंग में दिखा दूंगा आपकी गलती। इसमें कहां से स्टार्ट करना है? पी से। और त्रिज्या कहां से कहां तक है? पी से सी तक। क्या ये आपतित प्रकाश की दिशा है? आपतित प्रकाश। तो आपको स्टार्ट करना है पी से, और पी से स्टार्ट होकर त्रिज्या नापने के लिए क्या आप आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हो? अरे हाँ या ना? तो त्रिज्या, त्रिज्या वैसे कहां तक है? पी से लेके और सी तक। प्लस की आर के माइनस की आर? कौन से दर्पण में? अवतल तया को नाम है अवतल की कहानी। अच्छा बगल में उत्तल दर्पण वो ले ले ताकि दोनों क्लियर रह जाए। उत्तल दर्पण की कहानी सुन बेटा, उत्तल दर्पण बनाया पहले तो? अच्छा अपने ये ऐसे क्यों बनाया भाई? ऐसे घुमा क्यों नहीं बनाया? प्रकाश को अपन लेफ्ट से राइट लेके आते हैं, क्या ये इसका मुख्य अक्ष? लाला यहां को पोल, सेंटर यू को रेगो का, फोकस यू को आवे हो का। अगर पुरानी क्लास ली होंगी तो पूरी कहानी पता होगी। एक एक मैंने ये मान के पढ़ाया है कि आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो से चीज स्टार्ट करी है। अब यहां मैं आपको वक्रता त्रिज्या नापनी है, बोल कहां थे कहां तक की दूरी? अच्छा आपतित प्रकाश इसमें यही रहेगा क्या? आपतित प्रकाश। तो त्रिज्या साहब पी से लेके सी तक, स्टार्ट कहां थे होना है, खत्म कहां करना है? प्रकाश की दिशा में के उल्टी दिशा में? प्लस के माइनस? समझ में आया कि नहीं आया बता? अरे हाँ या ना? चलिए फोकस दूरी की बात कर ले। किसकी बात कर ले? फोकस दूरी। कहां से कहां तक है फोकस दूरी चित्र में? पी से एफ तक। प्लस की क्या माइनस की? स्टार्ट कहां तक करना है, खत्म कहां करना है? प्रकाश की दिशा में कि उल्टी दिशा में? तो प्लस के माइनस है। और फोकस दूरी को प्रतीक छोटा एफ, बड़ा एफ काय को प्रतीक है? फोकस को। या की फोकस दूरी बोलियो, पी से एफ ही तो है, प्लस के माइनस है। अरे दो कॉन्सेप्ट समझ में आए कि ना आए? लास्ट में बढ़िया सी ट्रिक बना देंगे, पहले पूरी चीजें समझ लो ध्यान से। अरे हाँ या ना? चलिए ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा इसमें? ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? दर्पण के पीछे, दर्पण सामने? तुमने कहो पीछे शकल देखिएगा आज तक ना? ई जमा दियो ले। और बिंब का प्रतीक रहेगा ए बी। हम सारी कहानी ला दूंगा, तुम ध्यान से देखते रह जाओ भाई। हाँ या ना? आपने तीन प्रतीक सुने होंगे, यू बी और एफ। दर्पण समय करना पड़ो का, एक वटे एफ बराबर एक वटे बी प्लस एक वटे यू, सुना है क्या? ये स्मॉल एफ किसका प्रतीक है? फोकस दूरी फिक्स है इसमें। दो नाम और आए अब, यू और बी।
कौन कौन से? यू किसका प्रतीक है? काय को? बिंब की दूरी को। यू काय को प्रतीक है? कहां ते? देखो ये सेंटेंस गलत है। बिंब की दूरी, अरे दूरी जयपुर की दूरी ना आपने, कहां ते नापू? एक बिंदु लेने पड़ेगा, लेने पड़ेगा। तो सुन ध्यान ते, सुन ध्यान ते, यू होता है बेटा ध्रुव से। नियम नंबर एक ने कह तो दिया कि दूरी कहां से नापनी है? ध्रुव से। ध्रुव से और बिंब, बिंब यहां रखा हुआ है ए पर, तो पी ए की बात कर रहे हो आप। देख ध्यान से, ध्रुव से बिंब ई बहुत परेशान करेंगे तुम्हें, ध्यान रखे ना लावे ना। जिनको ध्यान ना आए वे रोएंगे पीछे, दोबारा नहीं बताऊंगा। ध्रुव से बिंब की दूरी क्या पी ए है? क्या पी ए? और क्या ये माइनस का यू के प्लस का यू? यू तो समझ गए ना आप, यू का मतलब क्या है आज के बाद? ध्रुव से बिंब के बीच की दूरी। अब प्रकाश की दिशा में जा रहे हो तो पॉजिटिव, उल्टा जा रहे हो तो नेगेटिव। या भाई साहब मैं बिंब कहां रखोगे न्यो को? अरे हाँ या ना? क्या इसको नाम दे दू मैं ए बी? तो बता प्लस की क्या माइनस की? ध्रुव से बिंब की दूरी चित्र में क्या वो पी ए से दिखाई जा रही है क्या? और माइनस का यू हाँ या ना? अरे आया कि नहीं आया? वी, वी क्या होता है? वी का रे, तुम तैयार है पढ़ रहे को, दसवीं क्लास कितने ही ना देखी हुआ है। प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल एफ फोकस दूरी, कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी का मतलब हुआ पी और एफ के बीच की दूरी, त्रिज्या का मतलब हुआ पी और सी के बीच की दूरी, यू पी और ए ध्रुव से बिंब की दूरी, वी होता है प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा अब प्रतिबिंब दो प्रकार के हों, याद करो, कोई याद आए हो तो। कौन कौन से? वास्तविक और आभासी। अंतर पता है ना पता? प्रतिबिंब कब बनता है? जब दो परावर्तित किरणें काटती हैं, हाँ या ना? वो वास्तव में काट रही हो तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, काटती हुई प्रतीत हो रही हो तो आवासी बनता है। याद कर, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, आवासी हमेशा सीधा। वास्तविक दर्पण के सामने बनता है, आवासी दर्पण के पीछे। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आवासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो मैं तो बात कर रहा हूं वी की, और वी का रे ध्यान से सुने, ध्रुव से क्या प्रतिबिंब, जिसको आप इमेज भी बोलते हो, की दूरी। अब देखो प्रतिबिंब दो प्रकार के है। अगर यूं को बन रहा होगा सामने, मान लो कहूं यहां बन रहा है, अरे यहां ले ले यार ले, अरे हाँ या ना? तो प्रतिबिंब को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा ए डैस बी डैस से। किससे? ए डैस बी डैस से। तो आप ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी मतलब पी ए डैस की बात कर रहे हो साहब, अरे हाँ या ना? तो प्लस का वी क्या माइनस का वी? प्लस का कि माइनस का? कैसे पता माइनस को है? पीते स्टार्ट है क्या उल्टो आनो पड़ रहा है का बी प्लस को ऐसा क्या का? ऐसा क्या? ऐसा क्या भाई? प्रतिबिंब आवासी हो तो ऐसा क्या? अरे आवासी प्रतिबिंब का दर्पण के पीछे बन दो नालायक को झोंकू, अरे यहां तो बन सके हो। अगर मान ले ई ए डैस बी डैस हो तो फिर तुम्हें यू को जानो पड़ता, फिर बी काई को आतो प्लस को। तो बी याद रखियो, सवाल पर डिपेंड करेगा, प्लस को ऐसा क्या और माइनस को। तो बी में मैं दो चिन्ह बनाना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना, या बिंब की दूरी में दो चिन्ह दो तरीका कर दो, ऐसे देखो नीचे लिखता हूं ई प्लस को ऐसा क्या, अरे बोला करो, और पहले माइनस ले, पहले माइनस ले ले और फिर का ले ले प्लस। माइनस कब होगा बता? वास्तविक प्रतिबिंब, तुम्हारी समझ में ना आ रहा लाओ, अरे आ रहा ना आ रहा? और पॉजिटिव कब होगा? आवासी प्रतिबिंब। सेम लाइन यहां बन जाएगी, हाँ है ना? हालांकि इसमें हमेशा आवासी बनता है, वो एक अलग बात है। चलिए परिपाटी समझ में आई का ना आई? काका बात समझ में आई बोलियो? दूरी कहां तक ना वो स्टार्ट करे?
ध्रुव से, कहाँ से नापते हैं? ध्रुव से। और दूसरा नियम क्या कहता है? प्रकाश की दिशा में नापोगे तो पॉजिटिव। अरे स्टार्ट पी से होना है, पी से स्टार्ट होकर आपको लग रहा है कि आप प्रकाश की दिशा में जा रहे हो तो प्लस का, उल्टा जा रहे हो तो माइनस का। एक बात ध्यान दे सुन, यह चित्र पकड़ लेना। कभी मान लो आप सवाल सॉल्व कर रहे हो और आपको बेटा जरूरत पड़ जाए एसी नापना है, सर वो चित्र दिख रहा है उधर वाला, उस चित्र में क्या नापना है? एसी। मान लो उदाहरण के लिए आप जब सवाल सॉल्व करोगे तो कोई सी दूरी नाप ले, तो एसी कैसे नापोगे? एसी का मान क्या जमाओगे? देख कौन कौन से मान है ये तो देख ले एक बार जल्दी से ना बता। हम पीए को मान के देखे, पीए को मान वो पता है तो यू ही बोलेगा, यू के माइनस यू, क्यों? पी का है ध्रुव, ए का है बिंब। चित्र ध्यान दे देख ले, दो लाइन लिखे थे साइंस नासी के को, स्टार्ट कहां थे करना है? पीते ये तक आना है प्रकाश की दिशा में क्या अपोजिट दिशा में? अपोजिट। प्लस के माइनस है, ये तो क्लियर हो गया, जो भी है माइनस का है। और ध्रुव से बिंब की दूरी कितनी होती है? यू, तो माइनस यू है भाई। ना आयो? अरे आयोग ना आयो। फिर देख पी सी, जल्दी बोल दे पी सी माइनस का आर। जल्दी बोल पी एड एस, पी एड एस माइनस का वी। नहीं आया ना ई एड एस कहाँ है? अच्छा चित्र देख के बोलना, प्लस को जब होगा जो मैं बनाऊंगा एड एस में बनाया हम, तो इस चित्र के अकॉर्डिंग बात करवा रहा हूँ मैं आपसे इसलिए। और पी एफ कितना है? पी एफ, ये समझ में आएगा ना आए? तो देख एक बात तो समझ में आ जाए, निकल को दिमाग लगा ले तो अभी ट्रिक बन जाए। अब तल में ऑलमोस्ट चीज माइनस की है, अरे हाँ है ना? तो अगर सवाल में अवतल आ जाए ना, अवतल चाहे दर्पण में आ जाइए चाहे लेंस में आ जाइए आगे चल के, तो पहलो थॉट माइनस को आना चाहिए दिमाग में। कोई नियम ना है, अपना तुक्का है, पर हर जगह फिट बैठा हो गारंटी है। अवतल आ जाए अवतल, तो अवतल के साथ विचार किसका आना चाहिए? माइनस का। उत्तल में चेक करिए, उत्तल में या चित्र में चेक करना। अच्छा इसमें प्रतिबिंब हमेशा आवासीय बनता है, कहूँ ले 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 यहाँ ले ले, यहाँ प्रतिबिंब बनगा मान ले ए डैस और बी डैस। या चित्र में देख देख के बोल पी ए डैस की देखे, पी ए डैस, पी ए डैस कितना है चित्र में? अभी देख ले कन्फ्यूज है लोगों ने बेटा, प्लस माइनस में पी ए डैस कितना है? प्लस का वी। प्लस का क्यों? पी से स्टार्ट होकर प्रकाश की दिशा में जा रहे हो। पी एफ कितना? पी एफ, पी सी कितना? पी ए कितना? माइनस का। एक ही माइनस है बाकी सब कैसे हैं? प्लस। तो अवतल दिमाग में आते विचार आना चाहिए माइनस का, उत्तल विचार में आते आना चाहिए प्लस का। ये कहानी समझ में आई कि नहीं पहले बताओ? अरे हाँ या ना? कौन कौन सी बात समझ में आई? अरे कौन कौन सी बात समझ में आई? दूरी नापना कहाँ से स्टार्ट करना है? ध्रुव से। प्रकाश की दिशा में नाप रहा है तो प्लस का, उल्टा नाप रहा है तो एक नियम और बनता है, सुन उसको भी सुन ले। तीसरा दर्पण था ये, देख जलाला, मुख्य अक्ष का नाम देगो पोल, का नाम देगो सेंटर, ये भाई साहब फोकस। आया कि नहीं आया? यहां रखा हुआ है बिंब जिसका नाम है ए बी। अरे ये क्लियर होए ना होए ढोरो? हाँ या ना? पहले दो तीन बात और कर ले अब। अच्छा इसका इमेज मान लो कहीं यहाँ बन रहा है। अच्छा इमेज को ऐसे बनाते हैं डैश डैश से, ये फिक्स प्रतीक हैं कुछ, ए डैश आयो ले इन आंकड़े में जल्दी जल्दी लिखाइए। पी ए के देखे, पी ए अब ऐसे लिखेंगे, पी ए कितना है? पी ए कितना है? सबके दिमाग में क्लियर है क्या? ना है पहले तो पूछ लो क्यों माइनस यू क्यों? देखो साहब यू तो या के मारे हैं कि ध्रुव से बिंब की दूरी है, और ध्रुव से बिंब की दूरी का फिक्स प्रतीक है यू। स्टार्ट कहाँ से होना था? पी से, ए तक आना था, प्रकाश के अपोजिट आ रहे थे, इसलिए साइन किसका था? माइनस का। तो पी ए भाई साहब कितना हो गया? माइनस यू। बोलते जाओ अब पी सी कितना? लाला पी सी कितना? पी ए डैश कितना? पी ए डैश कितना? पी एफ कितना? अब मान लो कहीं जरूरत पड़ गई, कोई सी दूरी ले डिफरेंट, एसी ले ली मैंने तो भैया, मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूं
सोचो विचार करो बेटा, सिर्फ दो लाइन पढ़ी तो क्या फायदा होगा? अप्लाई करो सीख लें, जमा लो हमने 10-10-15% हेडिंग सब पढ़ लेंगे, गारंटी है पढ़ेंगे, जब पता पड़ेगी कि इतना पढ़ लिया है क्या। यहाँ तक पेपर में का चुनाव है मेरी जिम्मेदारी है, अक्षर ना पढ़ेगा यहाँ तक तो भी मेरी जिम्मेदारी पूरी, पर बिना या के ये को हेडिंग पढ़ जाए यूँ पूरी जिम्मेदारी है, अक्षर समझ नहीं आवेगा आगे। एसी निकालो पढ़ो, बता कैसे निकालेगो? PA-PC, क्योंकि नियम ने कहा था कि मुख्य अक्ष पर कोई दूरी निकालनी है ना, तो कांते स्टार्ट है नो है, तू तो पी पे जाके बैठ जा। अब यहां बैठ के पता कहा नापनो है, ए सी नापनो है ना, तो पहले पी ते काय नाप ले ए, फिर पी ते नाप ले सी ए, और पी ए में ते पी सी घटा दें। अरे हमें यहां कठूमर में बैठे बैठे खेड़ली से जयपुर की दूरी नापनी है, कठूमर से बैठे बैठे कैसे नापेगो? पहले कठूमर ते जयपुर नाप ले, फिर कठूमर ते खेड़ली नाप ले, और कठूमर से जयपुर की जो डिस्टेंस है क्या खेड़ली में तो कठूमर घटा देगा भाई, खेड़ली में से जयपुर वाली दूरी घटा देगा, ज़्यादा तो कम घटेगी ना, तो खेड़ कठूमर से जयपुर माइनस कठूमर से खेड़ली बराबर खेड़ली से जयपुर, गधा समझ जाओगे बात है, जो हम गधा थोड़ी हैं। अरे आया कि नहीं आया? क्या आप एसी को ला लो यहाँ बेटा, यहाँ 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 है ना, ये काम की चीज़ है। PA-PC आएगा कि नहीं आएगा? आगे बोल एसी की वैल्यू कितनी आगे, पर PA कितने का? PA-U, PC कितना है? -R, और माइनस माइनस प्लस, ये वाला मान तैयार हुआ। बता इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, बहुत जगह, एक आध जगह नहीं। आगे बढ़े, तीसरा नियम सुन लो, अगर दूसरे ब्याह को बना देखो तुरंत ये और समस्या है। कौन सा है? अवतल, अवतल है का PFC, ये बिंब नाम AV, प्रतिबिंब यहाँ छोटा बनता है, इसमें हमेशा सीधा बनता है, आवासीय बनता है, वो बातें पढ़ लेंगे सब। जल्दी बता PA कितना? अरे PA कितना? प्लस यू। PA कितना? प्लस के माइनस है, क्यों माइनस? प्रकाश इधर से आएगा ना इसमें, ये है आपका आपतित प्रकाश, इंसिडेंट लाइट, और यहां भी आपतित प्रकाश। तो PA भाई साहब माइनस का यू है, PA' प्लस का बी है, PF प्लस का एफ है, और PC प्लस का आर है। अब उन आयो का आयोग ना आयो, नियम नंबर एक ने कहा स्टार्ट होना है पी से, कछु ही नापना है, पी पे आके बैठ जाओ, ठीक है। प्रकाश की दिशा में नापोगे तो पॉजिटिव, उल्टा नापोगे तो नेगेटिव। दो नाम तुमने और सुने हो तो H और H' सुने सुने लग रहे हैं क्या? सुने सुने लग रहे हैं, सुने सुने लग रहे हैं। H और H' सुने क्या आपने? क्या है ये H और H'? H तो बिंब की ऊंचाई, बिंब की दूरी तो U होता है, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई कहाँ है चित्र में, कहाँ तक कहाँ तक? हाँ A ते B, और H' प्रतिबिंब की ऊंचाई। ना आयो समझ में? तो तीसरा नियम यो के क्या बिंब की ऊंचाई नापने के लिए बेटा मुख्य अक्ष से ऊपर जाना पड़ेगा? ये तो पता पड़ गई बिंब की ऊंचाई नापनी है AB, तो ये तो पता पड़ गई H आवेगो। अब प्लस को क्या माइनस को कैसे पता? नियम है मुख्य अक्ष से ऊपर नापेगो प्लस को, मुख्य अक्ष से नीचे नापेगो तो बिंब की ऊंचाई नापनी है, बता H प्लस को के माइनस को? प्रतिबिंब की ऊंचाई नापनी है H' प्लस को के माइनस को? बिंब की ऊंचाई नापनी है प्लस को के माइनस को? प्रतिबिंब की ऊंचाई नापनी है प्लस का। अब चलिए क्लियर होगा ना हो दिमाग में? अरे हाँ या ना? कुल मिला के तीन छोटी छोटी बातें, कछु ही ना है, आध घंटा है आयो, दो शब्द पढ़ाए, कहाँ ते स्टार्ट करना है पर कब? अब तुम देख फंस जाओगे, देख मैं कौन है, बिंब की ऊंचाई नापनी है, पीते स्टार्ट कर जाए, कैसे करेगो? पीते स्टार्ट तब करना हो जब दूरी कहाँ नापनी हो। मैंने पहले बोल दिया था कि मुख्य अक्ष के ऊपर कोई भी दूरी नापनी हो कहाँ ते स्टार्ट होना है? पीते। हाँ या ना? अगर पी शामिल नहीं है तो जबरदस्ती शामिल करना पड़ेगा। फिर प्रकाश की दिशा में नापेगो तो पॉजिटिव, उल्टो नापेगो तो नेगेटिव,
और मुख्य अक्ष से ऊपर नापेगा तो पॉजिटिव और नीचे नापेगा तो नेगेटिव। आया कि नहीं आया? आया। इस चित्र में अगर मैं ए बी की बात करूं, ए बी की, तो क्या वो प्लस का एच होगा? और इस चित्र में मैं ए डैश बी डैश की बात करूं तो क्या माइनस का एच डैश होगा? अरे हाँ या ना? और इस चित्र में ए बी की बात करें तो प्लस का एच होगा, और इस चित्र में हम ए डैश बी डैश की बात करें तो ये माइनस का एच होगा। सारी कहानी समझ में आई कहना? सॉरी, प्लस का होगा। अरे ले ले मरे मत। आया कि नहीं आया? चिन्ह परिपाटी क्लियर है? छापो, हेडिंग लिखो। अब आप कोई सी भी हेडिंग पढ़ सकते हो, इतना बेसिक पढ़ने के बाद हेडिंग डालें आप चिन्ह परिपाटी। विश्वास रखना भाई ना, अगर ये सब पढ़ लिया तो पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, और बिना इनके ही भगवे को प्रयास करो ना, ऐसा तुम हेडिंग पढ़ाओ फटाफट कछु ना आवे। चिन्ह परिपाटी लिखो, इसमें एक लाइन डाल दो ऐसे ही। इसमें कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है, इसमें कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी को अंडरलाइन कर दो। नियम नंबर एक, कछु नियम है छोटे मोटे से आगे। नियम नंबर एक, संबंध पर गालेंगे बोलो। हेलो, हाँ अभी तो क्लास ले रहा हूँ। कौन सो बाहर कौन सा बोर्ड लाया कल मैं? अच्छा 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 प्लेट क्यों कैसे आ गई वो? चल ठीक है, मैं आके करीब आधे घंटा में आ जाऊंगा। हाँ विद्वानों लिखो, नियम नंबर एक लिखो। मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर लिख दो। ऊपर को मतलब तुम ऊपर मत समझ रही हो ऐसे? अरे मुख्य अक्ष के ऊपर को मतलब मैं ऊपर ना कह रहा हूँ, या कह रहा हूँ ऐसा मुख्य अक्ष पर। हाँ ऐसे लिखो तुम, मुख्य अक्ष पर दूरी मापने के लिए कहाँ से स्टार्ट हो? पी से। कहा लिखूँ तो लैंग्वेज बिगड़ गई यार। कैसे लिखाऊँ मैं? मुख्य अक्ष पर दूरियाँ पी से मापी जाती हैं, इसलिए लिखो ये ठीक है। मुख्य अक्ष पर दूरियाँ पी से मापी जाती हैं, ये सही है। अब स्टार्ट हों ऐसे ठीक ना लगे, इंजन थोड़ी जो स्टार्ट होंगे। मुख्य अक्ष पर दूरियाँ पी से मापी जाती हैं, ये ठीक है, सही है। दूसरा नियम, नियम नंबर दो क्या कहता है? प्रकाश की दिशा में आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक तथा उल्टा लिख दो, विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां कैसी हों? ऋणात्मक होती हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? क्या नियम है गे? दो। तीसरा लेख, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर
मापी गई दूरियां मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, मापी गई दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर नापना है तो पीछे स्टार्ट होना है, प्रकाश की दिशा में नापना है तो पॉजिटिव, उल्टा नापना है तो नेगेटिव, मुख्य अक्ष से ऊपर नापना है तो पॉजिटिव, नीचे नापना है तो नेगेटिव, दोनों चित्र बना के छाप दो पूरा सिस्टम, पूरे चित्र में तो सब क्लियर, इसकी स्थिति कुछ नहीं बचा इसके अलावा। दोनों चित्र बनाओ और सबको अर्थ समझ में आ जाना चाहिए भाई। स्मॉल एफ फोकस दूरी, कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या, यू ध्रुव से बिंब की दूरी, बी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, सब नाम आने चाहिए। चैप्टर कठिन थोड़ी लग रहा है लाला, कठिन लग रहा होगा, बेहद आसान। पर सुनो, बीच में क्लास ब्रेक हो गई ना अगर, तो सेवंथ भरो लगाओगे, मेरी गारंटी है तुम लास्ट तक न्यू ना पता लगा पाओगे, अदरवाइज बेटा कौन प्लस को आवेगो और कौन माइनस को आवेगो, सच बता रहा हूं चक्कर पड़ जाएंगे। या कुमार ना समझ में आवे बिना शर्माए पूछ लीजो, प्रयास किया जाएगा, कोई डाउट ना रहे। क्लास थोड़ी छोटी बट मार रही है ना, ये टाइम ठीक है क्या? वो पहले वाला ठीक था, कौन सा ठीक है पहले वाला? बहुत से नींद में आते होंगे सुबह सुबह, नहा के आए हो सब? अरे सब नहा धो के आए हो ना भाई, नहीं दो चार का तो खड़ा होने का टाइम हुआ हो, इतने में तो मतलब स्कूल का टाइम हो गया हो, ऐसा थोड़ी है ना। यहाँ मौसम में तो नहा करो, कोई दिक्कत ना है, सर्दी आ रही है ना अभी काम की। बेटा 4 बजे तो पढ़ा रहा हूँ, सुबह 4 बजे थे ना वीडियो रिकॉर्ड करनी है ना सुबह थे, तुम्हारे यहाँ आवेद पहले तो 2 वीडियो रिकॉर्ड करके आए हूँ ना, सबूत देखियो आज की वीडियो में ये ड्रेस मिलेगी, आ गई हूँ देखियो थे ना आया ना आया मास्टर। तेरी मम्मी बता रही होगी हैं? हाँ भाई चलो, बाकी कल देखते हैं, टाइम हो गया भाई ना। अब सुनो, अब सुन लो शांत से, बाकी कल देखेंगे है ना। प्रतिबिंब बनाने के नियम अपन पढ़ चुके थे कल, चिन्ह परिपाटी अपन आज पढ़ चुके हैं ना, कल पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ठीक है।